आईपीएल का 17वां एडिशन अब अपने फिनिशिंग लाइन के करीब खड़ा है। इस मेगा इवेंट के इस सीजन में खूब जलवा देखने को मिला, जहां कुछ प्लेयर्स के लिए ये सीजन काफी हिट साबित हुआ तो कुछ सितारे इस सीजन जमी पर आ गए। आईपीएल के इस सीजन में ऐसे कई नाम हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट के सुरमा माने जाते थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना खराब रहा कि वो इस बुरे सीजन से पीछा छोड़ना चाहेंगे। इनमें से एक बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल का। बिग शो के नाम से मशहूर ग्लेन मैक्सवेल T20 फॉर्मेट या यूं कहें कि लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार प्लेयर हैं, लेकिन इस प्लेयर के करियर के सबसे खराब सीजन में से ये आईपीएल सीजन रहा। इस आईपीएल सीजन में ग्लेन मैक्सवेल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे, जहां उन्हें रन बनाने के लिए तरसते हुए देखा गया। मैक्सवेल इस पूरे सीजन स्ट्रगल करते हुए देखे गए और वो उस एडिशन में 4 बार तो खाता तक नहीं खोल सके। मैक्सवेल एलिमिनेटर मैच में भी गोल्डन डक पर चलते बने, इसके साथ ही उनके नाम इस लीग के इतिहास में शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। मैक्सवेल आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 18 बार डक पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने आरसीबी के ही अपने साथी दिनेश कार्तिक को 18 बार डक पर आउट होने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा डक ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक के नाम है। वहीं इसके बाद लिस्ट में रोहित शर्मा 17, पीयूष चावला 16 और सुनील नारायण 16 बार डक पर आउट हो चुके हैं। वहीं मैक्सवेल किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। मैक्सवेल के लिए इस सीजन 4th डक है, तो वहीं जोस बटलर 2023 के सीजन में 5 बार डक पर आउट हुए थे। इसके अलावा ओवरऑल T20 क्रिकेट में मैक्सवेल का ये 32-0 है। सबसे ज्यादा बार T20 क्रिकेट में सुनील नारायण 40 बार डक पर आउट हुए हैं। मैक्सवेल ने इस सीजन 10 मैच में 5.20 की बहुत ही खराब औसत से सिर्फ 52 रन बनाए हैं। इस बिग शो के लिए ये सीजन बुरे सपने वाला रहा। तो दोस्तों, मैक्सवेल के इस खराब सीजन को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।